Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is class 5th series and today we will do poem Ellie Telephony. So first of all, let us look at the animation of this poem. Ellie Telephony. Once there was an elephant who tried to use the telephone. An elephant who tried to use the telephone. Dear me, I am not certain quite that even now I have got it right. However it was, he got his trunk entangled in the telefunk. The more he tried to get it free, the louder buzzed the telefee. I feared I would better drop the song of Elephop and Telefunk. So this was the poem Ellie Telephony. Now we will understand this poem in Hindi. So students, now we understand this poem. First of all, this poem is written by Laura Elizabeth Richards and this is a humorous poem in which there are lots of mistakes and very spelled in a very funny way. So It is a very simple poem. You have to just understand it carefully. Once there was an elephant who tried to use the telephone. An elephant who tried to use the telephone. सबसे पहले तो जो स्पीकर है वो एक किड है, मतलब एक छोटा बच्चा है. फॉर एग्जाम्पल, हम इन जो पॉइट है इनके, लॉरा एलिजाबेथ, हम इन्हें ही कंसिडर कर लेते हैं कि यही ये पोएम को रीड कर रहे हैं या जब लिख रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं. वो कहते हैं कि एक बार एक एलिफेंट होता है जो ट्राई करता है टेलीफेंट को यूज करने का. फिर वो कहते हैं नहीं, एलिफोन को यूज करने का. फिर वो कहते हैं हु ट्राई टू यूज द टेलीफोन. वो कहना चाहते हैं कि एक बार एक एलिफेंट होता है जो टेलीफोन ट्राई करता है, लेकिन उन जो ये सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में वर्ड आया टेलीफेंट और एलिफोन, ये वर्ड आपका जो है कंबाइन होके वर्ड बना है टेलीफोन का और एलिफेंट का, और एलिफोन भी कंबाइंड होके बना है एलिफेंट का और टेलीफोन का. तो वो कंफ्यूज हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में, वो कंफ्यूज हो रहा है जो पोएट है. ठीक है, तो फर्स्ट फोर लाइन्स आई होप आपको समझ आई होंगी. नेक्स्ट, उसके बाद पेरेंथेसिस में उन्होंने ब्रैकेट्स में डाली है अगली टू लाइन्स. तो वो स्पीकर की खुद की मनोदशा है कि वो खुद क्या सोच रहा है. Dear me, I'm not certain quite that even now I have got it right. तो वो खुद को कहता है Dear me, मैं अभी भी certain नहीं हूँ, मैं मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये सही कैसे कह दिया, क्योंकि उसने फोर्थ लाइन में टेलीफोन उसने कहा है ना, तो वो certain नहीं है कि उसने ये कैसे कह दिया. Clear? Next, however it was, he got his trunk entangled in the telefunk. Again, in these two lines, he is saying that the elephant, while using telephone, he himself entangled or twisted his trunk with the wire of telephone. So therefore, he is not able to speak clearly and pronounce properly. Therefore, he spelled it like telefunk. Again, this is combination of two words, telephone and trunk. Telefunk. Clear? The more he tried to get it free, the louder buzzed the telefee. जितना ज्यादा वो कोशिश करता है खुद को फ्री करने की, आजाद करने की, जैसे सपोज हम कई बार हमारे पैर धागे में उलझ जाएं, तो हम कितनी कोशिश करते हैं उसे निकालने की, लेकिन वो और उलझ जाता है. उसी तरह से तो जो एलिफेंट है वो अपने आप को उससे फ्री करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेलीफोन है वो बज कर रहा है उसमें से, जैसे फोन की आवाज आती है टू टू, वैसे उसमें से आवाजें आ रही हैं, बज कर रहा है वो लाउडली. ठीक है, नाउ अगेन द नेक्स्ट टू लाइन्स आर इन द पेरेंथेसिस और ब्रैकेट विच इज द इनर वॉइस ऑफ पोएट, दैट इज उसकी खुद की मनोदशा क्या है. आई फियर आई वुड बेटर ड्रॉप द सॉन्ग ऑफ एलिफॉप एंड टेलीफोंक. ठीक है, सो वो कहता है कि मुझे डर लगता है
आई फियर, मुझे डर लग रहा है कि मैं जो है इस सॉन्ग को ही ड्रॉप कर देता हूँ जो मैं ये गा रहा हूँ, मैं जो ये स्टोरी बता रहा हूँ। एलिफेंट ने एक बार जो टेलीफोन यूज किया है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, मैं ये छोड़ ही देता हूँ। आई ड्रॉप दिस सॉन्ग ऑफ एलिफॉप एंड टेलीफोंक। तो यहाँ पे भी वो कन्फ्यूज हो गया एलिफॉप में और टेलीफोन में, जबकि उसे कहना चाहिए था एलिफेंट एंड टेलीफोन। देखो आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज वाइल टीचिंग यू दिस पोएम, सो दिस इज वेरी ह्यूमरस पोएम, यू विल लाइक रीडिंग इट। एंड दिस पोएम डिस्कवर सम न्यू थिंग इन द पोएट्री वर्ल्ड दैट देर आर सम पोर्टमेंट्यू वर्ड्स आर, सो लुक एट दिस पेज, दिस इज पोर्टमेंट्यू वर्ड। येस, पोर्टमेंट्यू वर्ड इज अ वन इन विच टू और मोर वर्ड्स आर कम्बाइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। दो वर्ड्स को मिलाकर एक कम्बाइंड वर्ड बनता है, उसे हम कहते हैं पोर्टमेंट्यू वर्ड। सो ये जो पोएम है ये आपकी इसी चीज पर बेस्ड है और आपको ये पोएम इसी चीज के भरपूर एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करवाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। सो इसे 2-3 टाइम्स रीड करें और इसे समझें अच्छी तरह से, ठीक है। सो दिस इज इट, रीड केयरफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।